बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। ग्यारह हजार की लाइन की चपेट में आए दो युवक। बुलंदशहर शिकारपुर नगर के मोहल्ला शिवलोक कॉलोनी के निकट बोर लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए दो युवक, जिसमें एक युवक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक को शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बुलंदशहर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। राजीव शर्मा पुत्र ब्रजेश शर्मा 29 निवासी सरगांव की मौत हो गई। दूसरा ललित पुत्र इंद्रपाल 39 निवासी महमूदपुर की हालात बनी हुई है। शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद डॉक्टरों ने बुलंदशहर जिला चिकित्सालय किया रेफर। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे शिकारपुर सीओ अंबिता उपाध्याय व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा, एसआई सतपाल सिंह, एसआई संतोष कुमार रावत द्वारा शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर लिखे जाने तक ललित की हालात बनी हुई है। सर क्या पूरा मामला हुआ? ये राजीव भारद्वाज और इसका नौकर ललित कुमार, एक कलर पेंट का बोर्ड आया था और दोनों को दोनों से लगा रहे थे, लगाते हुए हाथ में से छूट गया। हाँ हाँ हाँ। और 11,000 की लाइन पर छूटा हुई हुई है दोनों को करंट।